गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा पर आ रहे हैं तो रखिए पर्याप्त कैश वरना होना पड़ेगा परेशान। चार धाम यात्रा पर आए तीर्थ यात्रियों को उत्तरकाशी जनपद में बैंकिंग एटीएम की सुचारू सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण तीर्थ यात्रियों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। चार धाम यात्रा के दौरान अधिकांश स्थानों पर तीर्थ यात्रियों को नगदी भुगतान करना होता है। तीर्थ यात्रियों की समस्या की शिकायत उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र मटूडा ने भी प्रशासन से की है। तीर्थ यात्रियों के लिए सही नहीं है वित्तीय सुविधाएं। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुल गए थे, परंतु धामों के दर्शन करने आ रहे तीर्थ यात्रियों के लिए जिले में वित्तीय सुविधाएं सही नहीं है। जिला मुख्यालय में बस अड्डे, मुख्य बाजार, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगी एटीएम मशीनों में कैश उपलब्ध नहीं है। कई मशीनों में तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होने से यह बंद पड़े हुए हैं, लटके रहते हैं ताले। शाम और रात के समय सभी एटीएम पर ताले लटके रहते हैं। दिन के समय भी बैंक कर्मी कुछ एटीएम मशीनों में पैसे तो डालते हैं, परंतु कुछ ही समय के अंतराल में एटीएम पर कैश समाप्त हो रहा है। इसलिए अगर आप एटीएम कार्ड के भरोसे यमुनोत्री गंगोत्री धाम घूमने निकल रहे हैं तो एटीएम के बजाय अपने बैग में जरूरत के हिसाब से पैसे भी रख लीजिए। बिना पैसों के कहीं थोड़ी ना रह जाए आपकी यात्रा। गंगोत्री यमुनोत्री धाम और पड़ाव पर आपका एटीएम कार्ड शो पीस बनकर रह जाएगा। आप चाहकर भी अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बिना पैसों की आपकी यात्रा कहीं अधूरी ना रह जाए। उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र मटूडा ने कहा कि उत्तरकाशी व अन्य कस्बों में एटीएम की सुचारू व्यवस्था नहीं है। तीर्थ यात्रियों को एटीएम पर कैश उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। घोड़ा खच्चर डंडी कंडी संचालकों का भुगतान, धामों में पूजा अर्चना की दक्षिणा सहित अन्य स्थानों पर तीर्थ यात्रियों को नगद ही भुगतान करना होता है।